मेरे को ना पीछे मेरी टीम जो है उन्होंने बोला, रणवीर आप ना शेफ ठीक नहीं हो। मैंने क्यों? कहते आप आजकल के सनसनीखेज न्यूज़ चैनल्स के टाइम पे दूरदर्शन आप धीरे धीरे अपनी गाड़ी चलाते रहे तो रेसिपी जो है आजकल वो चलती है यूट्यूब पे, जब रेसिपी सुने और आदमी जो है घबरा जाए। आज आपको मिल जाएंगे 4 या 5 ऐसे सीक्रेट के जिंदगी भर के लिए आप मशरूम मसाला बनाना भूल जाएंगे, मतलब ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे कुछ होता है। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार। आज हमारे सनसनीखेज चैनल ऐसी रेसिपी बताएंगे और 5 ऐसी सीक्रेट शेयर करेंगे इस रेसिपी की, पॉइंट बाय पॉइंट बाय पॉइंट, कि आपसे अच्छा मशरूम मटर मसाला कोई नहीं बना पाएगा। सनसनीखेज। कॉलिंग एंड एक्शन। ओके, तो निकाल लीजिए अपनी नोटबुक्स और सोते रहना है तो जाग जाइए, क्योंकि 5 टिप्स फॉर अ परफेक्ट मशरूम मटर आने वाला है। अच्छा, मैं बन रहा हूँ ना सनसनीखेज न्यूज़ चैनल। ओके, सबसे पहला टिप, ये मशरूम की जो डंडी है इसको ना मशरूम मटर में मत डालिए, ठीक है? मशरूम की डंडी में रेशा होता है, रेशा। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, रेशा, रेशा उर्फ फाइबर, जो कि मुँह में आएगा, टेस्ट खराब करेगा, लेकिन इसमें फ्लेवर बड़ा स्ट्रांग होता है। इसलिए क्या करना है, इसलिए इसको डालना है ऐसे एक हांडी में, और साथ में डालना है थोड़ा बटर उर्फ मक्खन, और साथ में डालना है थोड़ा काली मिर्च और साबुत धनिया, 2 इलायचियाँ। तो ये ऐसे बना रहे हैं मशरूम का स्टॉक। तो पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए, अगर सनसनीखेज मशरूम मसाला बनाना है तो। हाय, मेरे से हो नहीं पाएगा ये, कोशिश फिर भी जारी रखूँगा, मेरे को दूरदर्शन थोड़ी ना बनना है। बटर में हल्का सा भूनना है, देखिए भून लिया आपने, उसके बाद डालिए पानी। ये बन गया आपका मशरूम स्टॉक। अच्छा, ये तो हो गया एक, ये मोनोपोली नंबर 1। बाकी मशरूम को काटने में कोई मोनोपोली नहीं, अगर आप यहाँ पर भी कोई सनसनी ढूंढ रहे हो तो। मशरूम लीजिए और उसके 4 टुकड़े करिए, और चारों टुकड़े एक जैसे होने चाहिए, तभी आपका मशरूम मटर परफेक्ट बनेगा। देखो जी, जो बड़े मशरूम हैं उसके 4 और जो छोटे हैं उसके 2। डन, ठीक है जी, ये कटिंग वटिंग हो गई, सामने सामने कटिंग करो मशरूम की ना। मेरे को मतलब अच्छा लगता है वैसे तो कटिंग करना, बट मशरूम की वैसे भी लास्ट मिनट ही करनी चाहिए, क्योंकि पड़े पड़े काला हो जाता है। अब बारी है मोनोपोली नंबर 2 की। मोनोपोली नंबर 2, मशरूम मटर मसाला अगर आपको अच्छा बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मक्खन में ही पकना चाहिए। मशरूम और मक्खन का जो मेल है उसका कोई मुकाबला नहीं, ठीक है जी। भाई और बहनों, बटर कम नहीं पड़ना चाहिए। तो 2 मोनोपोली हो गई जी, सनसनीखेज 2 सीक्रेट आपको बता दी गई है, ऐसी सीक्रेट जो कभी किसी ने आपको बताई नहीं होंगी, जो सीक्रेट बताते ही सारे शेफ्स की रेसिपी जब्त हो जाएंगी, ऐसे ही होता ना वो चैनल। अब बारी है तीसरी सीक्रेट की। तीसरी सीक्रेट है गिनती के किशमिश। कुल मिला के सिर्फ 10 किशमिश लें, उसको मोटा मोटा काटें और डाल दें उसको अपने प्याज के साथ। सीक्रेट नंबर 3, हल्की सी मिठास के लिए किशमिश। भैया भाई सब क्या बोल रहे हैं, कहते हैं रणवीर ये बटर कौन सी सीक्रेट है, हर बार तू तो ठोक के डालता है बटर, ये कोई सीक्रेट थोड़ी ना है, तो तेरी ओपन सीक्रेट है। ब्यूटिफुल। अभी बारी है मसाले डालने की। मसाले में जी पहले हल्दी, मिर्ची, 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 ये मिर्ची कौन सी है, रंग वाली। धनिया, ये धनिया कौन सा है, घर का पिसा हुआ। क्या बात, क्या बात है, देखिए सब खेल सारा है भाई और बहनों, खेल सारा है बटर का। मशरूम में देखिए मैं सब कुछ डाल रहा हूँ, हींग नहीं डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मशरूम में वैसे ही इतनी मीटीनेस होती है कि
हींग डालने की जरूरत ही नहीं है उसमें। ये टमाटर, सीक्रेट नहीं है इसमें, सिर्फ टमाटर ही है। अब इसकी भुनाई चलती रहनी चाहिए और सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाल दिया मैंने। एक तरफ जी हमारा मशरूम मटर मसाले का मसाला भुन रहा है और एक तरफ स्टॉक बन रहा है। क्या क्या बात है। टमाटर को भुनने में लगेगा वक्त, इसलिए कोई जल्दी नहीं करनी, ठीक है। लो जी डन, मसाला भुन गया। क्यों? धनिया की खुशबू आ रही है और उसने तेल छोड़ दिया, बटर छोड़ दिया। और अब गए मशरूम। लो जी सारे डाल दो। पर अगर आपको लग रहा है ना कि अरे रणवीर इतने ज़्यादा मशरूम है, इतना कम मसाला है, तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुई। क्योंकि मशरूम जो है वो 85-90% वाटर होता है सिर्फ, ठीक है जी। तो अभी जो इतना दिख रहा है उसका जादू आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए थोड़ा डालते हैं नमक और 2 मिनट बाद आपको जादू दिखाएंगे। ऊपर से देख लिया ना आपने, देख लीजिए, फिर बाद में बोलेंगे जादू मिस हो गया। ये लो जी मशरूम रह गया थोड़ा सा और मशरूम का पानी जो है उससे बन गया मसाला। इसमें क्या है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक बार मशरूम आपने डाल दिया उसके बाद मसाला नहीं भुनेगा, इसलिए जो भुनाई है वो सब पहले कर लीजिए। और आप जब नहीं देख रहे थे मैंने चौथी सीक्रेट कर दी थी। चौथी सीक्रेट मतलब वो जो मशरूम का स्टॉक मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने दही डाल दिया था। उससे 2 चीज़ें हुई, एक तो हल्का सा गाढ़ापन आएगा, दूसरा रिचनेस आएगी, तीसरा खटास आएगी, ठीक है। 4 सीक्रेट मैंने आपको बता दिए हैं, सनसनीखेज सीक्रेट अच्छा मशरूम मटर बनाने के लिए। ब्यूटीफुल। देखो जी स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट डन है, अब स्टॉक को पकने देंगे और 2-3 मिनट, और मशरूम मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, 2-3 मिनट में ये भी ड्राई हो जाएगा। डन है जी। बेसिकली ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि फेंका हमने अभी भी नहीं है मशरूम, लेकिन डंडी को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया स्टॉक बनाने के लिए। नहीं तो आप जो है डंडी इसी मशरूम में लंबी लंबी साथ में डाल देते, खाने में डंडी जो है वो चू जाती और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था जी डंडी इस्तेमाल करिए, लेकिन डिश को एलिवेट करने के लिए, सिर्फ डंडी बचाने के लिए नहीं। ब्यूटिफुल। एक और चीट है जो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, आपको बता देता हूँ कि इस समय इसके अंदर आप चाहें थोड़ा सा काजू पेस्ट डाल सकते हैं। काजू जो है आपकी ग्रेवी गाढ़ी भी करेगा, रिच भी करेगा। आप चाहें तो इस समय थोड़ा सा मावा या खोया भी डाल सकते हैं, वो भी आपकी ग्रेवी गाढ़ी भी करेगा और रिच भी करेगा। मैं कुछ नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा सिर्फ और सिर्फ बटर। खुल जाएगा आपके दिमाग का शटर जब खाएंगे ये मशरूम मटर विद सो मच बटर। वाह वाह। अब 5वीं सनसनीखेज टिप है वो सीक्रेट मसाला, जो कि इस डिश को 1,500 चांद लगा देगा। और वो सीक्रेट मसाला जो है वो है 1 भाग छोटी इलायची, 3 भाग काली मिर्च और 1 भाग कसूरी मेथी, बस, ठीक है जी। 3 भाग काली मिर्च, 1 भाग छोटी इलायची, 1 भाग कसूरी मेथी, साथ में पीस लीजिए, पाउडर कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। ये जो शाइन है ना, ये जो शाइन है ना अपनी सब्जी पे, ये बटर की शाइन है। ये बटर जो है ना मशरूम के साथ मिलके ये करता है। नाइस। देखो जी ग्रेवी भी गाढ़ी है, मशरूम के भी मज़े दिख रहे हैं, मटर के भी दिख रहे हैं। अब सिर्फ गार्निश करनी है। गार्निश में भी मिंट ज़रूर डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मिंट, हरा प्याज और बारीक चॉप धनिया, ये तीनों चीज़ें जब मिल के जाएंगी ना तब मज़ा आएगा।
ये गया हमारा मसाला, हमारी पांचवीं सीक्रेट। मशरूम मटर खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं, बाकी गॉड इज ग्रेट। मिंट एंड ग्रीन पीस, फ्रेंच क्विजीन से लेकर मेक्सिकन क्विजीन तक कॉम्बिनेशन क्लासिक है। हमने वो थोड़ा सा डाल दिया ना, छक्के छुड़ा दिए उसने इस डिश के, मतलब अच्छे इन अ गुड वे। थैंक यू वेरी मच। ये आपका है, ये मेरा है। अच्छी बढ़िया सी चपाती हो और अपना काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड मुझे झेलने के लिए शुक्रिया। मेरा मकसद यही होता है कि हंसते खेलते खाना बनता रहे, आप उस रेसिपी से जुड़ पाएँ, कनेक्ट हो पाएँ, आपका वो रेसिपी बनाने का या खाने का दिल करे, दैट्स ऑल। ये जो है ना, ये रेसिपी जिंदा रहनी चाहिए बातों में ही सही, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और आज इस सनसनीखेज प्रोग्राम के अंत में मैंने ये प्रूव कर दिया है कि मैं हूं वो सनसनीखेज न्यूज चैनल जो आपको देता है पांच सीक्रेट एक अच्छा मशरूम मटर मसाला बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और दूरदर्शन जो है ना, उससे कमाल का कुछ था ही नहीं। टू एंड द स्टोरी, आई एम प्राउड टू बी दूरदर्शन, बिकॉज अगर दूरदर्शन नहीं होता तो शायद मैंने तमस नहीं देखा होता, बुनियाद नहीं देखा होता, शायद मैंने रामायण नहीं देखी होती, महाभारत नहीं देखी होती, मैंने तमाम कितनी रीजनल मूवीज़ देख देख के अपनी लैंग्वेज की नॉलेज ना बढ़ाई होती, मैंने वेडनेसडे और फ्राइडे का ज़िंदगी में चित्रहार के लिए ऐसे इंतज़ार ना किया होता। दूरदर्शन जिंदाबाद। ठीक है जी, तो जो है वो है, ठीक है।